नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को यहां मतदान होगा। इस बीच बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में माओवादी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज ही रवाना कर दिया जाएगा। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वे कौशलनार बाजार में भाजपा का प्रचार करने गए थे, जहां नक्सलियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थमने से पहले आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। यह जनसभाएं गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटा विधानसभा और बिलासपुर जिले के मसूरी विधानसभा में होंगी। 5 चुनावी राज्यों में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर में सिवनी में होगी, वहीं दूसरी जनसभा खंडवा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद से ग्रस्त कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक रखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि यह बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। केंद्र सरकार ने 29वें चरण के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। ये बॉन्ड इस महीने की 6 से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। इसके बाद बॉन्ड जमा करने पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन भुगतान किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे का दौरा करेंगे, जहां वे संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। नीति आयोग आज नई दिल्ली में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी, विकास, प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने पर एक कार्यशाला कर रहा है। यह G20 नई दिल्ली घोषणा के अनुरूप 10 विषयों पर हो रही कार्यशालाओं की श्रृंखला में 4थी होगी। यह कार्यशाला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। इस कार्यशाला को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट को लॉन्च किया। यह सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर 2023 तक प्रगति मैदान में आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज दोपहर मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
भाजपा ने कहा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित उत्तर बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अध्यक्ष और किसानों को भी बुलाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मौजूदा सरकार में मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया है। जोधपुर सूरसागर से पिछला चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अयूब खान के बेटे को टिकट दिया गया है। 6 सूचियों को मिलाकर कांग्रेस अब तक 189 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लाइट जे ऑस्टिन अगले सप्ताह नई दिल्ली आएंगे। वे मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता से अमेरिका और भारत के बीच शिखर स्तरीय विचार विमर्श का मंच उपलब्ध होगा। ब्लिंकन और ऑस्टिन नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट करेंगे। अमेरिकी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ संदेश के साथ देश भर के 11 शहरों में राष्ट्रव्यापी बाइकर्स रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य देश भर के युवाओं को आयुर्वेद दिवस के वैश्विक संदेश आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ से जोड़ना है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि युवाओं को आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान से जोड़कर एक मजबूत और स्वस्थ भारत का भविष्य बनाया जा सकता है। भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौका दौड़ नौकायन चैंपियनशिप आज से मुंबई में शुरू हो रही है, जो 9 नवंबर तक चलेगी। INSC के इस संस्करण में 3 नौसेना कमानों की टीमें भाग लेंगी, जिनमें अधिकारी कैडेट और नाविक अग्निवीरों सहित शामिल होंगे। यह नौका दौड़ नौकायन के 3 सबसे लोकप्रिय प्रारूपों में होगी। स्कूली छात्रों को विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से IIT दिल्ली में ओपन हाउस 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान विकसित नवीनतम तकनीकों को देखने का मौका मिला। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियानों में लगभग 2,21,00,000 रुपये की बेहिसाब नकदी, बैंक खाते और संपत्ति जब्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईडी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उसकी टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जयपुर और दौसा में बैंक खातों सहित 26 स्थानों पर कल तलाशी अभियान चलाया। जल जीवन मिशन घोटाले में निजी व्यक्तियों के अलावा अपर मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई थी। मामले में अब तक कुल 11 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रगति की समीक्षा की। पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। प्याज की कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। NCCF और NFED के माध्यम से मोबाइल वैन के द्वारा देश भर में प्याज 25 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार बफर स्टॉक से 1,00,000 टन प्याज बाजार में उतारा गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार 4th दिन गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। जनता दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली और NCR के पूरे इलाके पर धुंध की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली सरकार समस्या से निपटने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने के दावा कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर ही नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार इस गंभीर समस्या के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली की जनता को इस हालत में कौन बचाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के चिड़ियाघर में भी पानी का छिड़काव किया गया। तमिलनाडु में कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने तिरुवनमलाई में तमिलनाडु के PWD मंत्री EV वेलु से जुड़े कई स्थानों पर की। वहीं करूर में पूर्व DM के सचिव वासुकी मुर्गेसन के बहन पद्मा के आवास पर भी तलाशी ली गई। और बुलेटिन यहां आपको रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD News पर।
अलग हैं हम। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नई है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दवा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC क्षेत्र में ब्लू जेट हेल्थ केयर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। तमिलनाडु के कई भागों में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने चेन्नई, मदुरई और शिवगंगा में सभी स्कूलों में एक दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की है। भारी बारिश से कई शहरों में कुछ हिस्से जलमग्न भी हो गए हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के ईडन गार्डन्स में आज होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए ब्लैक में टिकट बेचे जाने के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से मामले में अब तक कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में एक हौजरी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से 3 लोग झुलस गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। पंजाब के ही फिरोजपुर में देर रात प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 28% उछाल के साथ 4,253 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,313 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मेकर इंटेल ने मेक इन इंडिया लैपटॉप बनाने के लिए 8 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS कंपनियों को और मूल डिजाइन निर्माताओं के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत नेट प्रॉफिट 9.13% वृद्धि के साथ 16,099.58 करोड़ रुपये हो गया है। कम मांग और बढ़ी हुई कीमतों के कारण अक्टूबर में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी होकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई। अक्टूबर महीने में यह गिरकर 61 से 58.4 के आंकड़े पर आ गई। केंद्र ने कहा कि दिल्ली NCR में मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। एयर इंडिया ने अलास्का एयरलाइंस के साथ द्विपक्षीय इंटरलाइन साझेदारी की है। इंटरलाइन साझेदारी के तहत किसी एक एयरलाइंस के यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं मिलती हैं। यह द्विपक्षीय इंटरलाइन साझेदारी एयर इंडिया के ग्राहकों को न्यूयॉर्क JFK, नेवॉर्क न्यूजर्सी, Washington DC, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर गेटवे से अलास्का एयरलाइन ने नेटवर्क की सेवाएं लेने की सुविधा देगी। विदेशी बाजार के बदलते रुख के चलते स्थानीय बाजार में मांग में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली थोक बाजार में विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमतों में बदलाव नहीं देखा गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान चालक दल के सदस्यों के सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें पायलटों के आराम के लिए अधिक समय सहित चालक दल के सदस्यों की सेवा अवधि को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में कई बदलाव की बातें कही गई हैं। टाटा समूह के आभूषण ब्रांड तनिष्क ने लंबी अवधि में वैश्विक स्तर पर 50 स्टोर खोलने की योजना बनाई है। ब्रांड व्यवसाय का प्रबंधन करने वाली कंपनी टाइटन के CEO कुरवेल मार्कोस ने सिंगापुर में तनिष्क बुटीक खोलने के मौके पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय टाइटन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 बुटीक हैं और वह प्रवासी भारतीयों की सेवा के लिए लगातार नए स्थानों की तलाश कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच में भाग लेने के लिए नीदरलैंड के लिए रवाना हुआ। 6 से 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्वर्ण भंडार $499 मिलियन की बढ़त के साथ 45.92 बिलियन डॉलर पर पहुंचा।
यूको बैंक अपनी विकास योजना में रणनीतिक बदलाव करेगा। आगामी तिमाही में खुदरा एमएसएमई और कृषि को विकास के मुख्य चालक मानते हुए अपने कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा। अमेरिका ने गाजा में एक बार फिर मानवीय युद्ध विराम की बात को दोहराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में हो रहे हमलों के ठहराव पर अपनी सहमति जताई। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह बयान अपने गृह राज्य डेलवेयर की यात्रा के दौरान दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन की यात्रा की। एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और राजकुमार से मुलाकात की। अमान में जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने बार बार दुश्मनी को समाप्त करने पर जोर दिया और कहा कि हजारों नागरिकों की मौत को आत्मरक्षा के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। गाजा पट्टी में जारी इजरायली सेना की कार्रवाई के बीच इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए परिवारों ने सरकार की आलोचना भी की। प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने रिश्तेदारों को घर लाने की मांग की है। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंदियों की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उन्हें रिहा करने पर जोर दिया। नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के पार हो गई है। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमान का नुकसान हुआ है। गुजरात के एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रिवरसाइड स्कूल को शिक्षा के प्रति छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के लिए शनिवार को लंदन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2023 के विजेताओं में नामित किया गया। अहमदाबाद स्थित रिवरसाइड स्कूल को दुनिया भर के चार अन्य विजेता स्कूलों के साथ नवाचार श्रेणी में $50,000 के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे, जहां वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग पर रणनीतिक समन्वय पर चर्चा करेंगे। विदेश विभाग के बयान के अनुसार लू 4 से 11 नवंबर तक यात्रा पर रहेंगे, जिसकी शुरुआत कजाकिस्तान से होगी, जिसके बाद वह उज्बेकिस्तान और अंत में भारत आएंगे। लंदन असेंबली के भारतीय मूल के सदस्य कृपेश हिरानी ने इस सप्ताह एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस से हिंदू विरोधी घृणा की बढ़ती घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटने का आह्वान किया गया है। वनडे विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम आज आमने सामने होंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका को 50 में जीत मिली है, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विश्व कप में होने वाले आगामी मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तथ्य को पचाना मुश्किल है कि मैं विश्व कप के शेष भागों से चूक जाऊंगा। मैं पूरे जोश के साथ टीम के साथ रहूंगा और हर खेल की हर गेंद पर उनका उत्साहवर्धन करूंगा। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज के पहले मैच को पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने 21 रन से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 402 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शनिवार को डकवर्थ लुईस नियम से न्यूजीलैंड को 21 रन से हराया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने 126 रन की शानदार पारी खेली, वहीं बाबर आजम ने 66 रन बनाए। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों में वापस लौटते हैं, तेज रफ्तार से आपको बताते हैं खबरें। पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 6 विकेट गंवाकर पाकिस्तान को जीत के लिए शनिवार को 402 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 108 रन की शानदार पारी खेली। केन विलियमसन ने 95 रन बनाए। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन ही बना सकी और मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। कैमरून ग्रीन ने 47 और स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वॉक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शनिवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में सलीम टेटे और वैष्णवी विठल ने एक एक गोल करके भारत को जीत दिलाई। अब फाइनल में भारतीय टीम का सामना जापान से होगा। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। आज हैंडबॉल, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दमखम दिखाते नजर आएंगे। कड़ी प्रतियोगिता के बीच महाराष्ट्र की टीम 65 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर इसमें काबिज है। वहीं सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर स्थित हैं। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जोकोविच ने रूस के आंद्रे रुबलेव को हराकर खिताबी मैच में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रीमियर लीग में कल देर रात खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमाउथ को 6-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर के लिए बर्नार्डो सिल्वा ने 2 गोल दागे। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन पठान और कबीर के रूप में कैमियो करेंगे। इस अपडेट के बाद टाइगर 3 के रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। साल 2002 में प्रदर्शित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म दीवानगी की रिलीज के 21 साल बाद निर्देशक अनीस बाजमी और फिल्म के मुख्य अभिनेता अजय देवगन इसके सीक्वल के लिए फिर से एक साथ आने की योजना बना रहे हैं। 10 दिवसीय जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आज होगा समापन। सवनी कौर की अगेंस्ट द टाइड, दीवा शाह की बहादुर द ब्रेव और फिल्म निर्माता कनु बहल की आगरा को फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में सबसे उच्च सम्मान मिले। सेल्विन राज जेवियर की फिल्म कंजूरियन कनप्पन के ट्रेलर को लियो के निर्देशक लोकेश कनकराज ने शेयर किया। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। मार्वल की इको सीरीज जनवरी 2024 में डिज्नी हॉटस्टार पर दस्तक देगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में प्रीमियर होने वाली यह पहली सीरीज होगी। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर करेंगे होस्ट। यह एक डॉक्यू सीरीज है जो पूरे भारत के अनोखे ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करेगा। यह शो डिस्कवरी और डिस्कवरी प्लस पर दस्तक देगा। मशहूर बंगाली फिल्म निर्माता और थिएटर अदाकारा गौतम हल्दर ने 67 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा कर दिया। एआई की बदौलत बीटल्स फैंस को मिला अनोखा तोहफा। 4 दशकों के बाद नाउ एंड देन नामक मशहूर बैंड का आखिरी गाना हुआ पूरा। कमल हासन की 1996 में आई इंडियन का दूसरा पार्ट इंडियन 2 जल्द बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। इंडियन 2 का टीजर अब रिलीज हो चुका है। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से मनस्वी मुमगई बाहर हो गई हैं। जनता ने सबसे कम वोट के साथ एक हफ्ते पहले शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मॉडल एक्ट्रेस मनस्वी मुमगई को बाहर का रास्ता दिखाया। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।